आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है होल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स की आउटलाइंस को देख लेते हैं। आउटलाइंस मतलब कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स का डेफिनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। फिर उसके बाद प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ होल नंबर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नंबर लाइन को पढ़ेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पे होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है ये चीज सीखेंगे। और सॉरी होल नंबर्स को नंबर लाइन पे कंपेयर करना भी हम लोग नंबर लाइन के अंडर सीखेंगे। और हम लोग नंबर लाइन पे होल नंबर को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं नंबर लाइन पे ये होल नंबर के लिए सीखेंगे। और नंबर लाइन पे डिवीजन करना सीखेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज की, यानी कि प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग होल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और कौन किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर इसके बाद बारी आती है नंबर पैटर्न की। तो हर एक नंबर कोई ना कोई पैटर्न बनाता है। जैसे नंबर्स लिखे जाते हैं तो उनको अगर हम डॉट द्वारा रिप्रेजेंट करके एक पैटर्न बनाए तो इस तरह से कई टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। तो नंबर पैटर्न के अंतर्गत हम लोग वो पैटर्न सीखेंगे। तो अगर पैटर्न में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का लीनियर पैटर्न पढ़ना होगा हमें। फिर ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से नंबर ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं ये चीज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग रेक्टेंगुलर पैटर्न पढ़ेंगे, कौन नंबर रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं या रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाते हैं ये चीज भी पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट में स्क्वायर पैटर्न पढ़ेंगे। फिर हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखेंगे, ऑब्जर्व करके उसी के हिसाब से अगला हम लोगों को कैसे बनाना है ये चीज पैटर्न ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग होल नंबर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। होल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार नेचुरल नंबर जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं तो नेचुरल नंबर मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर हम लोग काउंट करने में यूज करते हैं उसे ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब अगर बात करें कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है ये देखें, तो हम लोगों को दिखता है यही बताया गया है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है वन से। वन हुआ, फिर काउंटिंग हम लोग वन से ही तो शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे तक करते जाते हैं काउंटिंग। तो यही जो काउंटिंग में यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यही जो है नेचुरल नंबर कहलाता है। तो हमें दिख रहा है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वन से। तो ये रहा नेचुरल नंबर। और खत्म कहाँ हो रहा है ये हमें नहीं मालूम, यानी ये अनलिमिटेड होते हैं, खत्म नहीं होते, या इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, खत्म नहीं होते। तो हम लोगों का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो वन होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो नेचुरल नंबर रहा, ये हमने जो अभी तक लिखा है ये नेचुरल नंबर रहा। अब अगर इसी के साथ हम लोग यहाँ जीरो को भी इंक्लूड कर लें या इसके साथ जीरो को भी लिख लें, तो ये जो नया सेट बन रहा है ये कहलाता है होल नंबर, इसी को होल नंबर कहा जाता है। तो ये होल नंबर हो गया, कि यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर जो है वो सेट है किन किन चीज किन किन नंबर्स का, जीरो का और नेचुरल नंबर का सेट ही क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। अब अगर हम लोग देखें तो होल नंबर को रिप्रेजेंट किस या डिनोट किससे करते हैं, तो होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और अब अगर हम लोग इससे रिलेटेड होल नंबर से रिलेटेड फैक्ट देखें कि कौन कौन से इससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो देखें, तो हम लोग
इसी से देखिए, इसी में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से, जबकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा था, वन से। तो हम लोगों का पहला फैक्ट तो यही बन जाएगा, पहला जो फैक्ट बनेगा होल नंबर स्टार्ट विथ जीरो, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ये फैक्ट पहला हो गया हम लोगों का। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इस जीरो, यानी कि हम लोगों का पहला फैक्ट यही मिल जाएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इस जीरो। अब दूसरा फैक्ट हम लोग देखें, स्मॉलेस्ट हो गया तो ग्रेटेस्ट देखेंगे ना, GREATEST, ग्रेटेस्ट होल नंबर, NUMBER, ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो अब क्योंकि देखिए ये इसमें जीरो के साथ नेचुरल नंबर को इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तो ये भी तो यहां से लेकर के आगे नेचुरल नंबर ही तो जुड़ा है ना, तो इसका मतलब कि होल नंबर भी जो ग्रेटेस्ट होल नंबर होगा वो अनलिमिटेड होगा या इनफिनिट होगा, इनफिनिटी, INFINITY, इनफिनिटी होता है, या फिर इसी को अनलिमिटेड भी बोलते हैं, UNLIMITED, अनलिमिटेड। तो यानी कि जब कभी भी हमसे पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट होल नंबर फाइंड करो या ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अनलिमिटेड होता है तो ग्रेटेस्ट नहीं फाइंड किया जा सकता है। ये दूसरा फैक्ट हो गया। अब तीसरा फैक्ट ये होता है कि अगर हमें को किसी भी होल नंबर के बाद अगला होल नंबर कौन सा आएगा ये फाइंड करना है, तो हम लोग दिए गए होल नंबर में एक एड करते हैं तो अगला हमें होल नंबर मिल जाता है। जैसे क्या है, जीरो है, तो जीरो में हम लोग क्या करें, वन प्लस किए तो हमें क्या मिला, वन मिला, ये वाला होल नंबर मिला। फिर अब इस वन में हम लोग वन प्लस करेंगे तो हमें टू मिलता है, और हमारा अगला होल नंबर कौन सा मिल रहा है, टू। ऐसे ही अगर हम लोग फिर ये टू में अगर वन एड करेंगे तो थ्री मिलता है, तो अगला होल नंबर थ्री हो गया। यानी कि हमें अगर नेक्स्ट होल नंबर फाइंड करना है तो जो हमें मालूम है होल नंबर उसमें एक एड करते जाएंगे, हमें अगला होल नंबर मिलता जाएगा। इसीलिए कहा गया कि होल नंबर्स जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि सात मिला सात में एक जोड़ेंगे एट हो जाएगा, ऐसे ही हंड्रेड होगा हंड्रेड में एक जोड़ेंगे थाउजेंड होगा। तो इस तरह से ये एड करने का प्रोसेस चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर्स जो ग्रेटेस्ट होल नंबर है वो अनलिमिटेड है या नहीं फाइंड किया जा सकता है, कैन नॉट डिफाइन। चलिए अब हमें नंबर लाइन्स को पढ़ना है। तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन में हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे पहले जो स्टार्टिंग में जीरो होगा, क्यों, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। तो यानी कि स्टार्टिंग में जीरो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब यहां से राइट साइड वो हम लोग आगे जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे, और ये ध्यान देंगे कि हमेशा ये जो डिस्टेंस रहे ये इक्वल रहे, हम लोग इक्वल डिस्टेंस में ऐसे वो ड्रॉ कर लेंगे छोटी छोटी लाइंस। तो इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इनके बीच की, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, वो इक्वल होनी चाहिए। फिर अगला जो आए वो भी यहां से यहां इक्वल रहे, फिर अगला जो आए वो भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे छोटी 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 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ये इनके बीच इक्वल डिस्टेंस ध्यान देना होगा, ये नहीं रहा तो फिर गलत नंबर लाइन बन जाएगी। अब हम लोग जो पहले डॉट पे यहां वन कर लेंगे, यहां टू कर लेंगे, यहां थ्री कर लेंगे, यहां पे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन
11, अगर और जरूरत होगी तो ये और लाइन बढ़ाई जा सकती है। तो ये रहा नंबर लाइन, और नंबर लाइन बन गया अब हम लोगों का। तो नंबर लाइन पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है नंबर लाइन पे, कह दिया जाएगा, ऐसे कह दिया जाएगा, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट होल नंबर एट, होल नंबर एट ऑन नंबर लाइन, एन यू एम बी ई आर नंबर लाइन। हम लोगों को नंबर लाइन पे बेस्ड पहला क्वेश्चन जो होता है कि किसी भी होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट होल नंबर एट ऑन नंबर लाइन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जीरो से लेकर के जितना रिप्रेजेंट करना है उससे एक दो ज्यादा वो बना लेंगे। हाँ, एक चीज और देख लीजिए यहीं पे, ये जो डिस्टेंस है जीरो से लेकर के एक के बीच की डिस्टेंस, या ये जितनी भी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये मैंने बताया सब बराबर होनी चाहिए। तो बराबर जब सब होंगी तो किन्हीं भी दो होल नंबर्स के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है, यानी कि इस डिस्टेंस को कहा जाएगा यूनिट, यू एन आई टी, यूनिट डिस्टेंस, डी आई एस टी ए एल सी ई, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि किन्हीं भी दो होल नंबर्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ये याद रखिएगा, आगे ये यूज होना है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो हम लोग पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जब नंबर लाइन ड्रॉ हो जाएगा और उस पे नंबर होल नंबर्स को लिख लेंगे ऐसे। अब हमें इस होल नंबर, इस नंबर लाइन पे एट को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग देखेंगे एट कहाँ पे, यहीं पे है ना, यहीं पे। तो हम लोग यहीं पे ये दिखा देंगे कि ये रहा एट, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब अगर हमें इसी पे क्या कह दे, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दे, बोल दिया जाए कि 12 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन से, यानी रिप्रेजेंट होल नंबर 12 ऑन नंबर लाइन। तो हमने ये जो नंबर लाइन बनाया है ये केवल कितने तक अभी है, 11 तक ही है ना। तो इसके लिए अब हमें आगे नंबर लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स आगे तक हमें इस नंबर लाइन को बढ़ा देना होगा। तो आगे तक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 12 13। तो अब हम लोग इस पे जब 12 को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो 12 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना, ये रहा 12। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, या ऐसे ऊपर यहीं लिख दीजिए 12 कहा, ये है ना। इस तरह से हम लोग नंबर्स, होल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं होल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। तो होल नंबर्स को आप जैसे नेचुरल नंबर को कंपेयर करते थे, वैसे ही होल नंबर को भी कंपेयर करोगे। सेम तरीका है कंपेयर करने का, लेकिन अगर नंबर लाइन पे कंपेयर करके देखना होगा तब कैसे करेंगे ये चीज देख लेते हैं। तो नंबर लाइन पे हमें दो चीज का ध्यान देना है, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड। यानी नंबर लाइन के दो पार्ट होंगे ना, एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा, एक राइट साइड वाला पार्ट होगा। तो हमें ये ध्यान देना होगा। तो पहली चीज, तो नंबर लाइन पे लेफ्ट किधर है, तो हम लोग इस तरफ जैसे बढ़ेंगे जिस, यानी कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम लोग 3 को देखें, 3 को, तो अब 3 के इधर जितने नंबर, ये जो है 3 के इस साइड जो नंबर है ये लेफ्ट कहलाएंगे, लेफ्ट साइड का लेफ्ट है। और 3 के इस साइड जितने भी हैं ये सब राइट साइड कहलाएंगे, राइट साइड। तो ये दो चीजें हमें ध्यान देना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस तरफ लेफ्ट, इस तरफ राइट हो गया। तो हम लोगों का जो कंपैरिजन में देखना होता है कि अगर कोई जिन दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है उनमें से हम एक नंबर को पहले फिक्स कर लेंगे और दूसरे को यही देखेंगे कि वो किस तरफ है उस फिक्स नंबर की। राइट साइड होगा तो ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड होगा तो स्मॉलर होगा। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को देख लेते हैं।
जैसे हमें बोल दिया जाए कि कंपेयर सी ओ एम पी ए आर ई कंपेयर सिक्स एंड इलेवन, हमें सिक्स एंड इलेवन को कंपेयर करना है, तो हम दोनों में से किसी को भी फिक्स कर लेंगे। जैसे अब हम लोग पहले सिक्स को देख लेंगे, तो सिक्स कहां पे, यहीं पे है, सिक्स है। अब इलेवन, अब सिक्स हमारा यहां पे रहा, तो इलेवन को हम लोग देखेंगे, इलेवन सिक्स के किस साइड है, अगर लेफ्ट साइड रहेगा तो छोटा होगा, अगर राइट साइड रहेगा तो बड़ा होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इलेवन कहां पे, यहां पे, और वो सिक्स के किस तरफ है, राइट साइड है ना, राइट साइड है। तो इसका मतलब कि 11 सिक्स के राइट साइड है, इसलिए 11 क्या होगा, ग्रेटर होगा देन सिक्स के। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि हमें कंपेयर करना है, वही सिक्स से ही हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। सिक्स एंड फोर, सिक्स एंड फोर को कंपेयर करके देखते हैं। तो सिक्स तो हमारा ये रहा, अब यहां से हम लोग देखेंगे फोर सिक्स के लेफ्ट है या राइट है। तो हमें दिख रहा है कि फोर कहां पे, यहां पे, यानी कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ना। तो हम लोग ये लिख देंगे कि जो है ये फोर सिक्स लगा देंगे। अब फोर क्योंकि राइट साइड है, सॉरी फोर जो है सिक्स के लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब फोर क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो हम लोग सिंबल लगा देंगे कि सिक्स, सॉरी हाँ, फोर इज स्मॉलर देन सिक्स, या इसी चीज को ऐसे भी पढ़ लें, सिक्स इज ग्रेटर देन फोर। बात तो एक ही होगी ना, चाहे हम बोले सिक्स इज ग्रेटर देन फोर या फिर बोले फोर इज लेस देन सिक्स, तो दोनों तो सेम सेंटेंस है, सेम बात है। तो हम लोग ऐसे कर देंगे कंपेयर। चलिए अब हम लोग एडिशन यानी होल नंबर को नंबर लाइन पे एड करना सीख लेते हैं। जैसे हमें दो होल नंबर दिए गए हैं, सेवन एंड टू, ये सेवन एंड टू दो होल नंबर आर गिवन, तो हम इसको नंबर लाइन पे एड कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे एड करना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे, फिर उस पे इन दोनों को एड करके दिखाएंगे। तो कैसे एड करना है ये देखते हैं। हमें पहले क्या करना है, सेवन में टू एड करना है, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करके पहले कहां तक जाएंगे, सेवन तक जाएंगे, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे और ऐसे सेवन पे पहुंच लेंगे, ये हमारा बना देंगे ऐसे। तो हमारा ये सेवन हो गया, सेवन हो गया। अब इसमें कितना एड करना है, टू एड करना है। तो अब यहां से हम लोग, मैंने बताया था ना कि दो होल नंबर्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। तो अब हम लोग सेवन के बाद दो यूनिट आगे जाएंगे, क्योंकि दो एड करना है, तो सेवन के बाद यहां से दो यूनिट आगे जाएंगे। एक यूनिट गए, दूसरा यूनिट गए, तो कहां पे पहुंचे हम लोग, नाइन पे पहुंचे। तो यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन पे एड करना सीखते हैं या करते हैं। चलिए एक और एडिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे हमें एक और एग्जांपल है, एट होल नंबर्स फाइव एंड एट, फाइव एंड एट को एड करना है, और नंबर लाइन पे कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें करना है फाइव प्लस एट। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहां से जीरो से स्टार्ट करके सबसे पहले कहां पे पहुंचेंगे, फाइव पे। तो जब फाइव पे पहुंच गए तो हम लोग पहला एडेंट शो कर लिए नंबर लाइन पे। अब आगे फाइव में एट एड करना है, तो हम लोग फाइव से स्टार्ट करके एट यूनिट फॉरवर्ड काउंटिंग कर लेंगे, एट यूनिट की फॉरवर्ड काउंटिंग कर लेंगे। तो हम लोग करेंगे शुरू फॉरवर्ड काउंटिंग, तो वन यूनिट हुआ, टू यूनिट, थ्री यूनिट, फोर यूनिट, फाइव यूनिट, सिक्स यूनिट, सेवन यूनिट, एट यूनिट। और एट यूनिट पे हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं, थर्टीन पे पहुंच रहे हैं ना। तो ये हम लोगों का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्टीन। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे होल नंबर का एडिशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन पे सॉल्व करना सीखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल ये रहा हम लोगों का, सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम नाइन यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन को यूज करके थ्री को नाइन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे,
तो आइए नंबर लाइन बनाते हैं। चलिए नंबर लाइन ये बन गई हम लोगों की नंबर लाइन। तो अब इसमें हमें करना क्या है वो देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9। तो इस टाइप यानी सब्ट्रैक्शन में हम लोग पहले फ्रॉम के बाद वाले नंबर को राइट करते हैं। फ्रॉम के बाद कौन है, 9 है। तो हम लोग चलिए यहां लिख दे रहे हैं, 9 लिखेंगे, पहले 9 लिखेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, और जो नंबर फ्रॉम के पहले दिया होता है उसको बाद में लिखते हैं, मतलब दिया और इक्वल्स जितना आता है वो लिखते हैं। तो ये अभी हम नंबर लाइन पे करके देखेंगे कितना आ रहा है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग पहले कहाँ पे जाएंगे, पहले हम लोग 9 पे, 0 से 9 पे हम लोग जाएंगे, 9 पे पहुंच लिए। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर, देखिए अभी एडिशन था तो हम लोग क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे थे, राइट साइड में जा रहे थे, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन है तो अब हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। 0 से 9 पे पहुंचेंगे, 9 पे पहुंचने के बाद अब हम लोग यहां से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करेंगे, फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड कर देंगे तो एडिशन हो जाएगा। तो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और कितने यूनिट बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 3 यूनिट करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। तो यहां से 9 से 1 यूनिट बैकवर्ड काउंटिंग हुआ, 2 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ, और हमें 3 यूनिट ही बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो हम लोग 3 यूनिट की बैकवर्ड काउंटिंग करने के बाद कहां पे पहुंचे, 6 पे पहुंचे। तो यानी कि ये जो होल नंबर्स का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 6। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर देंगे या सॉल्व कर लेंगे ऐसे। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का एग्जांपल रहा मल्टीप्लाई 2 and 6 ऑन नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर तब इसको उस पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो आइए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद इसको इक्वल यूनिट में डिवाइड कर लेंगे, मीन्स ऐसे 1, ऐसे ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये रहा हम लोगों की नंबरिंग कर ली। अब हम लोगों को इस पे किसको मल्टीप्लाई करके देखना है, 2 × 6 को, इसी को सॉल्व करके दिखाना है नंबर लाइन पे। तो हम लोग इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए अब तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग एक एक यूनिट फॉरवर्ड काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसमें एक एक यूनिट नहीं बल्कि इस पे हमारा डिपेंड होगा, इस पे या फिर इस पे, दोनों इन्हीं दोनों में से किसी एक को हम लोग लेंगे। जैसे अगर 2 को लेते हैं, 2 को 6 में मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 यूनिट की फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, यानी कि एक यूनिट की बजाय अब 2 यूनिट की फॉरवर्ड काउंटिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं 2 यूनिट की, तो हम लोग ऐसे लेंगे इतने का 2 यूनिट एक बार काउंट करेंगे, फिर 2 यूनिट आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, और ऐसे कितने स्टेप तक आगे जाना है, कितने स्टेप, टोटल हमें 6 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। इस तरह से 2 यूनिट के 6 स्टेप आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं, तो पहला हम लोगों का पहला स्टेप जब 2 यूनिट का करेंगे तो 2 पे पहुंचेंगे, फिर दूसरा यूनिट जब दूसरा स्टेप जब जाएंगे तो 4 पे पहुंचेंगे, तीसरा जाएंगे तो 6 पे पहुंचेंगे, चौथा 8 पे, पांचवा 10 पे, छठा स्टेप जो है हमें कहाँ पे पहुंचा देगा, 12 पे, और हमें टोटल 6 ही स्टेप चलने हैं, 2-2 यूनिट के 6 स्टेप चलने हैं। तो हम लोग 2 यूनिट के 6 स्टेप जब चलेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 12 पे। तो हम लोगों का 2 × 6 इक्वल्स हो जाएगा 12, यानी कि दोनों का 2 और 6 का प्रोडक्ट कितना होगा, 12 होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन को नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग डिवीजन को देख लेते हैं, डिवीजन को नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ, डिवाइड 15 बाय 5, ये हम लोगों का पहला एग्जांपल रहा कि 15 को 5 से डिवाइड करो।
ऑन नंबर लाइन, चलिए सामने आगे लिख देता हूं ऑन नंबर लाइन या फिर यूजिंग नंबर लाइन बोल सकता है। तो इसके लिए अब पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, तो आइए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, अब इस पे नंबर्स को लिख लेते हैं। तो स्टार्ट लेफ्ट साइड से करेंगे, जीरो हो जाएगा, इसको इक्वल यूनिट में या इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब नंबरिंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि हम लोगों का ये 15 है, तो 15 से ज़्यादा ही इस पे हम लोग नंबर्स को लिख लेंगे नंबर लाइन पे। तो हमने 15 नंबर्स लिख लिया है, तो हमें जिस नंबर को डिवाइड करना है वो हमारे हैं 15 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें 15 को डिवाइड करना है, तो हमें इसमें दो चीज़ें देखना होगा। ये हमारा डिवाइडेंड होता है, जिसको डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को उसको डिवाइडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे नंबर लाइन पे, 15 से करेंगे, डिवाइडेंड जितना होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिविजन में बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। तो ये डिवाइड करना है, तो हम लोग 15 से स्टार्ट कर देंगे और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है। बैकवर्ड काउंटिंग कितने कितने यूनिट का करेंगे ये भी तो डिसाइड करना है ना। तो पहले हमारा डिवाइजर कितना है, 5 है, तो हम 5 यूनिट का एक स्टेप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहले 5 यूनिट बैक जाएंगे। तो हम लोगों का 1, 2, 3, 4, चलिए तो पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, इस पे नंबरिंग कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे हम लोग नंबर्स को लिख लेंगे यहाँ। अब हमें किसको डिवाइड, हम लोगों का जो डिवाइडेंड है वो 15 है, इसको डिवाइड करना है, यानी कि 5 से डिवाइड करना है। तो ये जो हमारा डिवाइडेंड है ये डिवाइजर है, तो हम लोग जितना डिवाइडेंड होता है नंबर लाइन पे वहीं से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो डिवाइडेंड 15 है, तो 15 यहाँ रहा हमारा, यहीं से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। सब्ट्रैक्शन और डिविजन दोनों में बैकवर्ड काउंटिंग की जाती है, तो बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे ये भी हमें डिसाइड करना होगा, और ये हमारा इस पे डिपेंड होगा, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग में एक स्टेप में कितने यूनिट हम लोग बैक जाएं, ये डिसाइड किससे होगा, डिवाइजर से होगा। डिवाइजर 5 है, तो एक स्टेप में हम लोग 5 यूनिट बैक जाएंगे, ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक स्टेप में कितना बार बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे, 5 यूनिट का। तो 15 से स्टार्ट करें, तो हम लोगों का 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, यानी कि 10 पे आ रहा है फर्स्ट स्टेप में हम लोगों का, अगर हम 5 यूनिट की बैकवर्ड काउंटिंग किए। तो हम लोगों का कितने पे आ रहा है, 10 पे, और यही प्रोसेस हम लोग बार बार फिर से 5 यूनिट की बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, उसके बाद फिर से 5 यूनिट की बैकवर्ड काउंट करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक कि हम जीरो पे ना पहुंच जाए। तो अब हम लोग फिर से 5 यूनिट की बैकवर्ड काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोगों का ये जो हो जाएगा यहां से 5 पे आ जाएगा, अब अभी भी हम जीरो पे नहीं पहुंचे हैं ना, तो अब फिर से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे और 5 यूनिट की करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये रहा हम लोग 5 यूनिट की बैकवर्ड काउंटिंग किए, तो अब हम लोग जीरो पे पहुंच गए हैं। तो अब हमें जीरो तक पहुंचने के लिए टोटल कितने स्टेप चलने पड़े हैं, 1, 2, 3 स्टेप ना, यही 3 स्टेप हमें आने पड़े हैं बैकवर्ड काउंटिंग में। तो जितने स्टेप हम बैक काउंटिंग जाएंगे
उतना हम लोगों का कॉस्टिंग हो जाएगा। हमें तीन स्टेप बैक जाना पड़ा जीरो तक पहुंचने के लिए, तो हम लोगों का कॉस्टिंग जो हो जाएगा थ्री हो जाएगा, यानी कि 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो थ्री आएगा। चलिए हम लोग डिवीजन को एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। इसमें इस एग्जांपल में हमें 6 को डिवाइड करना सॉरी 12 को डिवाइड करना है बाय 6, तो इसके लिए पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो आइए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इस पे क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 6 से। तो अब हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा डिवाइडेंड 12 है, तो यानी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 12 से, और डिवीजन है तो बैकवर्ड काउंटिंग आएगा। तो यानी कि 12 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, और कितने स्टेप का करेंगे ये सॉरी कितने यूनिट का, यानी एक बार में कितने यूनिट बैकवर्ड जाएंगे ये डिसाइड करना है। और ये चीज डिसाइड होगा डिवाइजर से, डिवाइजर 6 है तो हम लोग एक स्टेप में 6 यूनिट बैकवर्ड काउंटिंग कर लेंगे। और ये बैकवर्ड काउंटिंग तब तक करते जाएंगे जब तक कि जीरो पे ना पहुंच जाए। तो हम लोग 12 से स्टार्ट करके 6 यूनिट की बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। तो 12 से स्टार्ट करेंगे 1, देखिए यहाँ इसको हम लोग 1 काउंट करेंगे, 11 पे आएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले स्टेप में हम लोग 12 से स्टार्ट करके बैक आएंगे और कहाँ पे आएंगे 6 पे, क्योंकि 6 यूनिट की बैकवर्ड काउंटिंग करनी है हमें। अब फिर 0 पे तो नहीं पहुंचे, तो अब फिर से हम लोग करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग, और कितने यूनिट की, 6 यूनिट की, क्यों, क्योंकि डिवाइजर 6 है। तो 6 यूनिट की बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो हम लोगों का होगा पहली काउंटिंग यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी 0 पे आ जा रहा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करके बैक में आएंगे 0 पर। अब हम लोग 0 तक ही जाने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। तो अब हम लोग 0 पे पहुंच गए हैं, तो अब यहीं पे रोक देंगे। अब हम लोग ये देख लेंगे कि हम बैकवर्ड काउंटिंग में 0 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप बैक गए हैं। तो हम लोगों का दिख रहा है 1 स्टेप 2 स्टेप, तो हम लोगों का जो कोशन हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम लोग वहां 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन होल नंबर का नंबर लाइन पे करते हैं। सॉरी,